हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को लिखना है जो 5/7 और 9/11, ये रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में आते हैं। तो इसके लिए पहले हमें इन्हें सॉल्व करना होगा, जिससे हमें एक डेसिमल नंबर मिलेगा और उन नंबर्स के बीच के नंबर्स को हमें लिखना होगा, राइट। तो 5/7 है, इससे हम डिवाइड करेंगे, मतलब 5 को करना है 7 से डिवाइड। 7 से नहीं हो पाएगा, 0 देकर एक 0 ले लेते हैं। अगेन 7 के टेबल में 50 नहीं आता, लेकिन 7 सा 49 होता है। माइनस करूँगी, बचेगा 1, अगेन 0 लिया, 7 सा 7। माइनस किया 3, अगेन 7 के टेबल में 3 मतलब नहीं आता, 30 ले लेंगे ऐसे, 30 से छोटा मतलब 7, 4 सा 28 होता है। माइनस किया, यहाँ पर आएगा 28 है, 30 माइनस 28 2 बचेगा, 0 लिया, 7 2 14, क्योंकि 7 3 21 होगा जो ज़्यादा हो जाएगा, ये 14 लिया, माइनस किया 6 लिया, छोटा होगा, अगेन मैंने 0 लिया। 7 के टेबल में 60 से छोटा क्या आएगा, 7 8 56 होता है, तो गेट 7 8 56। माइनस किया, 4 बचा, अगेन मैंने 0 लिया, फिर 7 5 35, फिर मैंने 5 लिया, 0 दिया, अगेन क्या आएगा, 7 7 49, राइट। अगेन 50 आ गया है, तो 7 7 49। और ये वाली टर्म हमारी जो पहले वाली है वही आई है, मतलब ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा नंबर आगे अब रिपीट होगा। तो यहाँ पर 5/7 को इस तरह से हमने लिखा है। अब नेक्स्ट वाला हमारा है 9/11। तो 9/11 मतलब 11 से डिवाइड करना है, छोटा है, 0 लेंगे, 1 पॉइंट देंगे। 11 8 88 होता है, यहाँ पर 90 - 88 मतलब 2 बचेगा, 0 लेंगे, 11 1 11 होगा, माइनस करेंगे, अगेन 20/11 9 होगा, 0 लेंगे, और ये चीज़ रिपीट होगी, मतलब 8 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमें ये दोनों नंबर्स मिल गए, इसका इस तरह से, इसका इस तरह से, ये रिपीट होंगे नंबर, क्योंकि 9 यहाँ पे था जो पहला ही नंबर था, अगेन वो चीज़ रिपीट होने लगेगी। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच के नंबर्स, देयरफॉर द थ्री इरेशनल नंबर्स बिटवीन ये और ये 0.714 एंड 0.81 इज, हम लिख देते हैं कोई भी तीन नंबर्स, जैसे 0.71 है तो आप, सॉरी 0.714 है, आप 71 और 81 के बीच में, तो 0.780 दूसरा नंबर ले सकते हैं, 0.808008000 इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड नंबर में हम और भी कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे अब 7 8 लिया है मैंने, यहाँ ले लेते हैं 7 3 7 3 0 7 3 0 0 .. ये कोई भी तीन नंबर्स हैं जो इरेशनल हैं, जो ख़त्म नहीं होंगे और ना वो रिपीट हो रहे हैं, और वो एग्जैक्टली हमारे ये दोनों के बीच में आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो हमने कंप्लीट किया है। फॉर द क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।